नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को आज एक कैंसर डिटेक्शन और अवेयरनेस मोबाइल वैन मिल गई है। ये सीएसआर फंड के रूप में प्राप्त हुई है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की ये वैन है और इसको पाइवर फाइनेंस, ये जो भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, उसके द्वारा दिया गया है। आज इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनके साथ में राज्य मंत्री संसदीय कार्य और चिकित्सा मंकेश्वर शरण सिंह, उसके साथ संस्थान की निदेशक प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद और रविंदर सिंह ढिल्लो जो कि अध्यक्ष है, प्रबंध निदेशक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के। इसके बीच में एक MOA साइन किया गया। साथ ही संस्थान की इमरजेंसी में आए हुए मरीजों को और अधिक चिकित्सा सुविधाएं दिलाने के लिए न्यू ऑर्थोपेडिक वार्ड, जिसमें OT भी है, वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है, उसका भी लोकार्पण हुआ। साथ में HIS के माध्यम से चिकित्सीय सुविधाओं को पूरे संस्थान में इनका इंटरनल डिपार्टमेंट क्रॉस रेफरेंस करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई, जिसका भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकार्पण किया। मौके पर राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि डॉक्टरों से वो इतनी अपेक्षा करते हैं कि कोरोना के साथ में ही मरीजों का इलाज करें। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी को ये कहा कि लोहिया का नाम इस तरीके से चमका दीजिए, ऐसी सेवा और कोरोना भावना से काम करिए कि लोग PGI और एम्स को भूल करके लोहिया को याद। मरीजों की कोरोना के साथ सेवा भाव से सेवा करें, मेरी एकमात्र यही अपेक्षा है। आप सभी आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप सब लोग आगे चलकर एक अच्छे डॉक्टर बने। 20 करोड़ घरों में दवाई का एक डिब्बा सबके घरों में और ढेर सारी दवाइयां उसमें निष्प्रयोग रूप से बेकार जाती, एक्सपायर हो जाती है। होली दिवाली में हम जब सफाई करते हैं उस डिब्बे को फेंक देते हैं और फिर नई दवाइयां भर देते हैं कि कभी जरूरत पड़ेगी तो भर लेते हैं। डॉक्टर साहब ने 5 दिन की दवा ली थी, 2 दिन में ठीक हो गए, 3 दिन की दवा घर में बेकार पड़ी। डॉक्टर एक मुहिम हम सबको चलाना है, उस सारी दवाइयां एक डिब्बे में कलेक्ट हो और जरूरतमंदों में वितरित हो। यह एक मुहिम चलाने कि कोई भी दवाई अतिरिक्त रूप से किसी के घर में नहीं है। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में हमें काम करना है। हमारे आप सबके मन में एक ही पीड़ा है कि कोई भी दुखी ना हो। आपके मन में यही पीड़ा है, आपकी व्यस्तताएं हैं, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपके पास वर्कलोड है, लेकिन हमारी आप सबकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि अस्पताल परिसर में कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित आ गया है तो हमें उसे भगवान मान करके गले लगा लेना है, उसी सेवा करनी है। भले ही हमारे पास जगह हो, हमारे हृदय में जगह होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि बस कितनी भी भारी होती है तो कलेक्टर चढ़ी जाता है, आप चिकित्सक आप उसको वही गाड़ी में हाथ देख लो, उसका इंजेक्शन लगा दो, दवाई दे दो, कुछ भी करो, उसे खुश करके भेजना। ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है और मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।